वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोने का एक्सपर्ट। तो चलें आज नज़र डालते हैं कि आलमी मार्केट में सोने का भाव क्या रहा और लोकल मार्केट में गोल्ड का रेट जो है वो किस तरीके से चला। तो देखें जी, आलमी मार्केट में जो डॉलर में रहा वो रहा 1963 रुपये फी आउंस, जो 1963 डॉलर पर आउंस रहा। और इंटरबैंक में जो डॉलर का रेट रहा वो रहा 277.50 और लोकल मार्केट में जो रेट चला वो चला 283, यानी डॉलर भी महंगा हुआ है 283। अब उसके असरात जो सोने के भाव पे नज़र आए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और उस वो बताने से पहले मैं काइंडली आपको ये भी बताता चलूँ कि मैंने आपको कहा था कि सोने का रेट महंगा होने जा रहा है और गोल्ड का रेट जो है वो महंगा हुआ। तो अब हम आगे भी बात करेंगे कि कल अब जो मार्केट ओपन होनी है वो किस तरफ जाएगी, उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं लोकल मार्केट में आपको पाक रुपीज़ में जो गोल्ड का रेट रहा वो बता दूं। देखें, आज के दिन में जो ज़्यादा से ज़्यादा रेट गया ना वो गया 1963 डॉलर पर आउंस, जिससे लोकल मार्केट में रेट बना 215,600 रुपये फ़ी तोला खालिस सोने का। इस तरीके से जो क्लोजिंग पे मिनिमम जो रेट रहा वो इंटरनेशनल मार्केट में रहा 1950 डॉलर पर आउंस और पर तोला लोकल मार्केट में रहा 211,300 रुपये। तो ये तो रही गोल्ड की हिस्ट्री के आज जो सोने के हालात रहे। और इस 211 और 215 के दरमियान में 212 213 पर भी रेट फ्लैक्चुएट करता रहा। और ये जो है वो मंडी भी, जो इंटरनेशनल मंडी है वो भी दो चार डॉलर ऊपर नीचे हो रही थी। ये सिनेरियो रहा आज का। अब हम बात करते हैं कि कल के दिन क्या होने जा रहा है। देखें, आज जो एनालिसिस हमने किया और जिस तरीके से गोल्ड के रेट को ऑब्ज़र्व किया, कल के लिए भी सेम स्टेटमेंट है कि कल भी हम लोग सोने को महंगा देख रहे हैं कि अगर ये डॉलर जो है वो ना रुका। अब देखिए ना, दोनों तरफ से ही मार पड़ रही है फिलहाल। अभी लोकल मार्केट में जो आपका डॉलर का रेट है वो भी रेज हो रहा है, सेकेंडली इंटरनेशनली भी आलमी मंडी में भी सोना थोड़ा सा महंगा हुआ है, जिसकी वजह से ज़्यादा असर नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़ कि जो डॉलर की डिमांड बढ़ी है LCs ओपन होने से और जो इम्पोर्ट का जो सामान है उनकी जो पेमेंट्स जानी है, उसकी वजह से डॉलर का रेट महंगा हुआ है, डॉलर शॉर्टेज पर है, उससे भी सोने के रेट पे असर पड़ेगा। और सोना फिलहाल हम कल के दिन भी, यानी आने वाले दिन में भी महंगा देख रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि वो लोग कि जो प्रॉफिट में जा रहे हैं, अगर वो अपना प्रॉफिट टेक करना चाहें तो उनके लिए बेस्ट टाइम है, वो कर सकते हैं। और अगर वेट करना चाहें तो वेट कर लें। अभी फ़िलहाल जो आवाज़ आ रही है 1 से 2 दिनों की, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आपको, वो महंगाई की तरफ ही है। तो गोल्ड के लिए तो इतनी ही बात थी। और दूसरा एक चीज़ और मैं अब वीडियो में अपने ऐड करूँगा, मैं अपने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना वो गोल्ड की मिक्सिंग रेशो और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं। मैं गोल्ड का रेट प्रेडिक्शन के बाद आपको जो है ना वो कोई एक क्वेश्चन लेकर जो है उसका आंसर भी दे दूंगा। अब आज जो मैंने क्वेश्चन पिक किया है वो मेरे भाई ने मुझसे ये पूछा है कि जी, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो, यानी हमारे पास पेमेंट अगर शॉर्ट है, एक लो बजट है, तो क्या हम प्योर गोल्ड में इन्वेस्ट करें या हम ज्वेलरी ले लें। तो मैंने उनको इन रिटर्न भी यही बताया था रिप्लाई करके, और मैं अब वीडियो में भी उन्हें यही बता रहा हूँ, और उनके तवस्सुल से और भी जो लोग सुनने वाले हैं वो ये सुन लें कि देखें, अगर आपकी अमाउंट छोटी होगी, गोल्ड का वेट कम होगा, तो उसमें आपको प्योर गोल्ड ख़रीदने में कोई खातिर खा ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। आप प्योर गोल्ड लेके रख लोगे और फिर वेट करोगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़े, तो फिर उसके बाद जो है वो प्रॉफिट टेक करें। उनके लिए मैं यही चॉइस कहूँगा कि आप ज्वेलरी की सूरत में बना लें, आप प्लेन गोल्ड की बैंगल्स बना लें, आप प्लेन रिंग बना लें, इयररिंग्स बना लें, ऐसी कोई चीज़ बनाएं कि जो आपके यूज़ में भी आती रहे, आप ओकेजनली उसको पहन भी लो, और फिर अगर आप उन्हें उसको दोबारा कन्वर्ट करना हो कैश के अंदर, तो आप जब टाइम बेहतर समझो कि आप फ़ायदे में हो तो आप उसको कर भी दो, क्योंकि गोल्ड जो है वो करंट कैश ही होता है। तो उनके लिए मेरी सजेशन यही है। तो आज की वीडियो में जो है वो इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस में और अपकमिंग जो भी होने वाला है सोने के साथ, उसको लेके आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।